ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है, आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति मैंने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, मैंने एक दोहा पढ़ा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। और रात दिन जो सुंदरकांड देखते होंगे घर में, माँ बहन बेटी लगा के सुनती है, तो क्या सुनती है उसमें? संपूर्ण नारी जाति को कैसे शिक्षा से अलग किया गया, कैसे उसको अपमानित किया गया। तो आप उसमें पाएंगे कि आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो दो चार बातें हैं वह निंदनीय है।